नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए, जैसे आप सभी ने थंबनेल में देख ही चुका होगा कि ऊपर SSSC पेट का कितना स्कोर जा सकता है। आइए जानते हैं इसमें कितना स्कोर जा सकता है। लेखपाल भर्ती के आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के मन से यह सवाल उठ रहा है कि यूपी पेट में कितना स्कोर लाने पर वह राजस्व लेखपाल की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि लेखपाल की भर्ती के लिए आपको कितना UP SSSC पेट में कितनी आपकी स्कोर होनी चाहिए कि आप लेखपाल की भर्ती दे सकते हैं। आइए जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में राजस्व लेखपाल के हजारों पदों की भर्ती आयोजित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार 70,000 से भी ज़्यादा पदों की भर्ती निकालने की घोषणा की है। बाद में EPSSC अधीनस्थ जारी की भर्ती परीक्षाओं में आधिकारिक कार्यक्रम जारी किया था, ये न्यूज है। आइए जानते हैं, इस अधीनस्थ सूचना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 7,882 राजस्व लेखपाल के पदों की भर्ती कराने की सूचना दी थी। आयोग ने यह भी बताया है कि यूपी पेट पेट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी परीक्षा 24 अगस्त को आयोजित की गई थी। ऐसे में लेखपाल भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यूपी पेट में कितना स्कोर लाने पर वह राजस्व लेखपाल की भर्ती आवेदन कर सकेंगे। आइए जानते हैं, यूपी पेट में आपको कितना अंक लाना होगा। लेखपाल भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार में बता दें कि हाल ही में संपन्न हुई पेट परीक्षा में काफ़ी आसान सवाल पूछे गए थे, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि परीक्षा में प्रतिस्थापित काफ़ी बढ़ गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए सामान्य OBC ST SC उम्मीदवार के अनुमति कट ऑफ स्कोर क्रमशः 80, 70, 60, 50 अंक रह सकते हैं। इसीलिए इतने अंक लाने के बाद संबंधित वर्ग के उम्मीदवार लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। जैसा कि सामान्य के लिए जनरल के लिए 80, OBC के लिए 70 और SC के लिए 60 और ST के लिए 50 अंक लाना जरूरी है। जिस कैंडिडेट की अगर 80 मेरिट बन रही है, 70 बन रही है और 60 बन रही है और 50 बन रही है, तो वह कैंडिडेट लेखपाल की भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है।